हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। ये तरीका प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का 10वीं की वार्षिक परीक्षा में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है जो तकरीबन 3 या 4 नंबर का होता है। कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो हमें दोस्तों दोनों विधियां अच्छे से याद होनी चाहिए, प्रतिस्थापन विधि भी और विलोपन विधि भी। अभी मैं आपको ये सवाल प्रतिस्थापन विधि से करके बता रहा हूँ और इसके तुरंत बाद इसी सवाल को मैं आपको विलोपन विधि से भी कर करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसी सवाल को करना, ठीक है। एक बात इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप विधि को याद रखिएगा, हम किस विधि से इसको हल कर रहे हैं इस बात पर आपको ये ध्यान देना होगा। चलिए सबसे पहले हम इसको हल करना शुरू करते हैं और इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इस वाले को समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। सिंपल है, 2 नाम दे दिया। अब हम इसमें से कोई सा भी एक समीकरण जो हमको अच्छा लगता है हम वो ले लेंगे और उससे हम समीकरण 3 बनाएंगे, ठीक है, जो आपको सरल लगे, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से समीकरण 2 को ले रहा हूं, है ना। क्योंकि मैं समीकरण 2 ले रहा हूं इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण 2 से, ठीक है। अब हम समीकरण 2 को यहां लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। मैं ये जो माइनस का वाई है इसको उठा करके बराबर से उधर लेके जाऊंगा। ये इधर माइनस का है, आपको पता ही होगा कि जब भी कोई संख्या बराबर से इधर से उधर जाती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं, या उधर से इधर भी आते हैं तो भी उनके चिन्ह बदल जाते हैं। हम माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये इधर जो है माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का, ठीक है। तो 4 पहले से मौजूद है, ये इधर आया तो ये प्लस का हो गया। अब ये बन गई दोस्तों हमारी समीकरण 3, समीकरण 3 बन गई। अब अगर हम समीकरण 2 से मान बनाते हैं तो 1 में रखना है, और अगर 1 से बनाते हैं तो 2 में रखना है। क्योंकि मैंने ये मान किससे बनाया है, समीकरण 2 से बनाया है, तो मैं इसको किस में रखूंगा, समीकरण 1 में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आपने 2 से बनाया है तो 2 में नहीं रखना है, 1 में रखना है, और अगर 1 से बनाया है तो 2 में रखना है। मैंने 2 से बनाया है इसलिए मैं 1 में रखूंगा। तो मैं लिख देता हूं x बराबर 4 प्लस y को समीकरण 1 में रखने पर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं, क्या है, x प्लस y बराबर 14। अब देखिए हम किसकी जगह पर लिखने वाले हैं इसको, एक्स की जगह पर। तो एक्स की जगह पर हम लिख देंगे 4 प्लस वाई, ये लिख दिया हमने 4 प्लस वाई। अब कौन बचा, प्लस वाई बचा, बराबर क्या है, 14 है, 14 लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब देखो ये 4 तो उधर चले जाएंगे और इन दोनों का हम जोड़ देंगे, तो 1 वाई और 1 वाई कितना हो गया भाई, 2 वाई हो गया, ठीक है। 4 उधर चले गए, 14 पहले से मौजूद है, 4 और चले गए, अब क्या होगा, ये 2 वाई तो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं हम, इन दोनों को हम घटाते हैं, कितने बचेंगे भाई, 10, ठीक है। मैं आगे का सवाल आपके लिए यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। 2 वाई जो है 10 के, सॉरी ये जो 2 है ये 10 के बटे में चले जाएंगे, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, 10/2। हम 2 के पहाड़े से 10 को काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, यानी कि वाई का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस वाई के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। y बराबर 5 को समीकरण 3 में रखने पर, आप चाहें तो किसी में भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, ठीक है ना, किसी में भी रख दोगे ये चलेगा, लेकिन चूंकि ये सरल रहेगा इसलिए हम समीकरण 3 में ही रखते हैं, ठीक है। समीकरण 3 लिख दिया हमने, x बराबर 4 प्लस वाई, एक्स अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह पर, केवल वाई की जगह हमने क्या लिख दिया भाई, 5 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी एक्स का वाई मान कितना आ गया, 9 आ गया। अतः करके हम लिख देंगे एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5, ये हमारे मान आ गए एक्स और वाई के, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से।
अब हम इसी सवाल को विलोपन विधि से करेंगे, ठीक है ना। वैसे सवाल सरल है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसी सवाल को जो है विलोपन विधि से करने वाले हैं। विलोपन विधि देखो दोस्तों, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि परीक्षा में किस विधि से पूछा गया है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लिखा नहीं होता कि किस विधि से हल करना है, तो आप प्रतिस्थापन विलोपन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं कहा गया है कि आपको विलोपन से हल करना है या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आपको उसी विधि से हल करना पड़ेगा। चलिए अब हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो वही कहानी, हमने इसको समीकरण एक नाम दे दिया, इसको समीकरण दो नाम दे दिया। अब देखिए यहां पर अगर कोई अंक होते हैं, है ना, जैसे कुछ हो, जैसे यहां भी कुछ नहीं है मतलब एक है, यहां भी कुछ नहीं है मतलब एक है, अगर एक एक दोनों जगह होगा तो हम गुणा नहीं करेंगे, सीधा समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे। अब देखिए या फिर घटा देंगे। अब देखो यहां पर क्या है, वाई वाई सीधा कट रहा है ना, ये प्लस का है, वाई माइनस का है, तो ये कट ही जाएगा, इसलिए हम सीधा लिखेंगे यहां पर समीकरण एक प्लस दो से, मतलब हम समीकरण एक और दो को जोड़ रहे हैं, ठीक है। समीकरण एक उतार लिया हमने, x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण दो लिख लिया हमने, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, जोड़ रहे हैं, है ना। तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, जब घटाते हैं तब चिन्ह चेंज करते हैं। तो भाई देखो ये तो कट गया, एक x और एक x कितना हो गया भाई, दो x हो गए, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए, 14 और 4 18 हो गए, ये दो इसके बटे में आ जाएंगे, तो x बराबर 18 बटे कितना हो गया भाई, दो हो गया। दो की टेबल से हम काट देते हैं 18 को कितनी बार, 9 बार, यानी कि x का मान क्या निकल के आ गया हमारा, 9 निकल के आ गया। अब हम इस x के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण हमारी जैसी इच्छा, एक में रखना चाहो एक में रखो, दो में रखना चाहो दो में रखो, तो मैं समीकरण दो में रख देता हूँ, ठीक है। x बराबर 9 को समीकरण कितने में रख रहे हैं अपन, एक दो में रख रहे हैं, ठीक है ना, समीकरण दो में रखने पर, दो समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। चलो भाई समीकरण दो देख लेते हैं, समीकरण दो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, ये लिख दिया हमने, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है भाई। किसकी जगह पे मान रख रहे हैं हम, x की जगह पर, तो x की जगह पे हमने लिख दिया 9 माइनस y अपनी जगह पर और बराबर 4 अपनी जगह पर, हम 9 को उठाकर उधर ले जाएंगे, इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस y बराबर 4 माइनस 9। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो घट जाएंगे, है ना, घट जाएंगे, तो घटा देते हम इसको, क्या बचेगा भाई, 9 में से 4 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। अतः देखो पहले x का मान लिखना, हमेशा x का मान कितना आया भाई, 9 आया, फिर y का मान लिखना है कितना आया भाई, 5, देखो आ गया, है ना। सवाल में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, यदि आपको कहीं समझने में परेशानी है तो आप वीडियो को दो बार देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।